ऋचा चड्डा के साथ मैंने पहले भी काम किया, वो तो घर की मुर्गी दाल बराबर है। ऐश्वर्या राय ऑब्वियसली इज अ वेरी बिग स्टार एंड उसकी पिक्चर में आने से उसको माउंटिंग और भी बड़ी हो गई है। मेरा ये हमेशा से ये मानना है कि मैं अपने किरदार के साथ काम करता हूँ और अपने डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ, मेरी इंटरेक्शन मेरे कोस्टार से कम ही रहती है। ये तो इनफैक्ट इतने घुल मिल जाते हैं कि आप पूछोगे कहाँ हैं, तो फर्स्ट डे ऑफ द शूट तो मुझे पता नहीं था कहाँ बैठे हैं। उसमें मैंने बोला रणदीप को बुलाओ, तो पता चला वो ज़मीन पर वहाँ कोने में बैठे हुए हैं, किसी से बात नहीं करें, इतने रोल में घुल गए थे कि वही सरबजीत बन गए थे। इतने इंटेंसिव मतलब इंटेंस रोल है कि वो घुस गया था रणदीप मतलब सरबजीत इनमें, इस तरह के ही डिडंट स्पीक टू एनी वन, अपने में ही रहते थे और किरदार में घुसे हुए थे। मतलब हम लोग तो इतना बैक टू बैक शूट कर रहे हैं कि यू नो 52 डेज में हमने शूटिंग ख़त्म कर दी पूरी पिक्चर में, तो इतना पैक्ड शेड्यूल चल रहा है। हाँ, सिर्फ गाना शूट करते वक्त तब एन्जॉयमेंट होता है, मतलब वो भी एक ही गाना था जो लिपसिंग था, तो उसमें धमाल था। मेरी सिस्टर डॉक्टर अंजलि हुडा, वो इंटरनल मेडिसिन और मेटाबॉलिक डिजीजेज की डॉक्टर हैं, तो उनकी मदद से मैं ये कर पाया। तो मेरी एक बहन मुझे जेल से निकालने की कोशिश कर रही है और मेरी असली लाइफ में बहन मुझे जेल में कैसे दिखना है उसकी मुझे कोशिश कर रही है, तो वो सब उनकी मदद से हुआ। और ऑफ कोर्स विल पावर, पेशेंस एंड द पेशेंस ऑफ पीपल अराउंड यू। जनरली अगर आप देखे जाओगे तो बायोपिक में नहीं होना चाहिए म्यूज़िक। हाँ, आर्ग्यू भी होता है कि क्यों डाल रहे हैं, बट एक गाना हमने डाला है बिकॉज वो सेलिब्रेशन सॉन्ग है, पंजाबी लोग गाते हैं, धमाल करते हैं। ओके, सब लोग किसी भी घर में जाओगे आप, शादी हो या मेहंदी हो ये हो, सेलिब्रेट तो करते ही हैं, तो उस हिसाब से हमने एक गाना डाला है इसमें जो है तुंगलक। और जहाँ सब लोग ने पहली बार रणदीप हुडा ने डांस भी किया है हमारे लिए, और वो एक लिपसिंग सॉन्ग था। बाकी के जितने भी गाने हैं वो सब बैकग्राउंड स्कोर हैं, और जैसे हम बैकग्राउंड स्कोर में म्यूजिक डालते हैं उस हिसाब से गाना डाला है, टेक द मूवी फॉरवर्ड। इट्स अ सेंसिटिव फिल्म एंड हैड टू हैंडल इट प्रॉपरली। ओके, आई डोंट वांट टू रफल एनी फेदर्स ऑन दिस साइड और दैट साइड, बट ट्रूथ हैड टू बी टोल्ड एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट। एंड इट्स ऑन बोथ साइड्स, वहाँ के भी साइड में दिखा रहा हूँ जहाँ जेल में, और यहाँ भी क्या हुआ और नहीं होना चाहिए, दोनों साइड की स्टोरी है ये। और हाँ, बहुत ही फूंक फूंक के चला हूँ इस पिक्चर में, एंड जो ट्रुथ था वो दिखाना था, ये मेरा फर्स्ट मोटो था, तो वो दिखाया हमने। ऋचा चड्डा के साथ मैंने पहले भी काम किया, वो तो घर की मुर्गी दाल बराबर है। ऐश्वर्या राय ऑब्वियसली इज़ अ वेरी बिग स्टार एंड उसकी पिक्चर में आने से उसको माउंटिंग और भी बड़ी हो गई है। पर मेरा ये हमेशा से ये मानना है कि मैं अपने किरदार के साथ काम करता हूँ और अपने डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ, मेरी इंटरेक्शन मेरे कोस्टार से कम ही रहती है, क्योंकि आप अपना जो आपको सीन करना है उस पर आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो, तो दूसरे की तरफ ध्यान नहीं जाता है। सीन के दौरान जो इंटरेक्शन होती है वही होती है, एंड मेरे ख्याल से ऐश्वर्या ने इस फिल्म में अपनी इमेज ब्रेकिंग का काम किया है, और विच विल टेक अ फर्दर अन शो। बीस मई को ये फिल्म आ रही है आपके निकटती है थिएटर में, और ये एक फैमिली की फिल्म है, एक फैमिली के बारे में फिल्म है। आप जाके ये फिल्म देखिए और एक उम्मीद और दृढ़ता और एक विकल्प से, जिससे बहन भाई के प्यार की बनी हुई ये पिक्चर है, वो आप देखिए, आपको हम भावुक करके छोड़ेंगे और एक नई होप से, एक नई अप्रिसिएशन से अपनी फैमिली के लिए आप बाहर निकलेंगे। तो आप प्लीज़ जाके फिल्म देखिए और इसका लुत्फ़ उठाइए।